এই মঞ্চে বাংলা এখানে বুঝে না সবাই বাংলা মানে হিন্দি মে বলো না বাংলা মে আচ্ছা হ্যাঁ মিক্স কর আজকে আমাদের মধ্যে মঞ্চে जो विशेष व्यक्ति बैठे हैं, मैं सचमुच महाराज को मैं जानता हूं इतना नहीं जानता हूं, मेरा बाल्यकाल से महाराज के साथ परिचय नहीं है, किंतु मैं जितना महाराज को देखता हूं उतना कुछ सीखता हूं। मैंने बहुत राजा महाराजा को आज के दिन में पॉलिटिक्स में एमपी मंत्री बनते हुए देखा, अभी है भी, किंतु हम लोग भगवान हैं त्रिपुरा के, जो लोग यहाँ इस मिट्टी में जन्मे हैं, जो हमको ऐसे महाराज मिला है जिनके अंदर कहीं से भी दूर दूर तक अहंकार नहीं है। मैं लोगों को देखता हूं, छोटे छोटे घर के होता है, एक बार एमएलए बन गया, एक बार कुछ हो जाता है, कितना कुछ करता है। अब मैं महाराज को देखता हूं, चाहे दिल्ली हो, चाहे दुनिया के कहीं भी देश में हो, महाराज आम एक साधारण जनता जैसा अपना व्यवहार करता है। ये बड़े आदमी का पहचान है। जिनको छोटा सा ही कुछ देखने का मौका मिला, वो इस तरीके से व्यवहार करता है। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मुझे मालूम नहीं था जो मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ूंगा, महाराज को भी मालूम नहीं था। लास्ट मोमेंट में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया था विप्लव देव को लड़ना है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी राज्यसभा एमपी हूं, हमारे का चारों पांच बच्चों आछे राज्यसभा एमपी, हम तो उन्नत जनों बोल चीना, हमारा दूजों मुद्दे एक जनों जानतो ना जब आमी प्रार्थी हूँ, और जबको नामन नाम सुने चे महाराज, महाराज हमारे मन सबसे ते बेशी कुछ महाराज हुए चे। अभी बोली महाराज के अमर मित्र है, दोस्त है, किंतु मेरे आत्मा के साथ भी सचमुच उनका अच्छा एक स्थान है। मैंने जब भी अकेलापन में आया हूं, जब भी अपने आप को मैं समझता हूं अकेला हूं, तब मुझे महाराज का नाम याद आता है, और उन्होंने मुझे सुख दुख में सभी समय साथ दिया है, और आगे भी हम दोनों एक साथ काम करेंगे और अपना दर जनों करब, कारण हमारे दुईजन को चाहिदा नहीं, हमें मुख्यमंत्री पद तो बनिए दिए, एर ऊपर त्रिपुरा को पोस्ट नहीं, और महाराजा कांग्रेस प्रेसिडेंट हो पद छेड़े दिए अपने त्रिपुरा सर जो এখনো টিপুরা মাতার উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, বিজার অঙ্কলকে বানিয়ে উনি সাধারণ এক ফাউন্ডার মেম্বার হিসাবে নিজেকে মঞ্চে এসে বসিয়েছে। আরে লোক মন্ডল প্রেসিডেন্টের পদ পেলে ও ছাড়তে চায় না, যদি তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় রাগ হয়ে যায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি যখন त्रिपुरा सर जो करते कांग्रेस नेतृत्व ना अटका त्रिपुरा राज्य मध्य एक दु जन आते नाम बोलना महाराज के परेशान कर
কিন্তু মহারাজ দুইটার মধ্যে একটা চুনেছে, কোনটা? টিপ্রাসাকে চুনেছে, কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছে, কংগ্রেসকে ছোড় দিয়ে উনি ছোড় কে আপকো চুনা হয়। আমি তার জন্য মহারাজকে সম্মান আদর অনেক উচ্চ দরজাতে রাখি। বন্ধুরা, আমি মাঝে মাঝে ওনাকে বলতাম ফোন করে, মহারাজ আমি তো সাধারণ ঘরে জন্মেছি, মহারাজ মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে, পার্টি আমাকে পার্টি প্রেসিডেন্ট বানিয়েছে, মহারাজ আপ তো জন্মজাত মহারাজ, আর আপ মহারাজা বীরবিক্রম কৃষ্ণ মানিক্যকে কে নাতি হো, ইসে বড়া চিজ ক্যা মিল সকতা আপকে জীবন। और ऐसा महाराजा और ऐसा परिवार आपको मालूम है, हमारे देश के भारत का पुराने पांच जो डायनेस्टी है महाराजाओं का, इनमें से महाराज लोग एक है। हमारा सीमा आज त्रिपुरा देख रहे इतना नहीं था। मैं जब महाराज के माता जी से मिलता हूं तो बोलता है ये कुमिल्ला मेरा है, मैंने इस इतने में कुमिल्ला को खरीदा था, उस समय मेरे ससुर ने खरीदा था, चिटागंग हमारा है, हमने 47,000 रुपया में उस समय खरीदा था, त्रिपुरा बहुत बड़ा था, ये ब्रिटिश जाते समय इसको काट पीट के हमको छोटा जगह दे दिए। हमारे त्रिपुरा के महाराज के बाद बड़ा बहुत बड़ा एरिया था, और आज माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के बात कहता है, माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कथा बोले प्रमाण।